पप्पू जी बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। मैडम पप्पू नहीं संतोष तिवारी बोल रहे बमोरी बड्डा से। क्या समस्या आ रही है जान सकती हूँ? मैडम हमारे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए इस संबंध में शिकायत है मैडम हमारी। नमस्कार मैं CML से मोनिका बात कर रही हूँ। पप्पू जी बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। मैडम पप्पू नहीं संतोष तिवारी बोल रहे बमोरी बड्डा से जी। बमोरी हुड्डा तहसील खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश। क्या समस्या आ रही है जान सकती हूँ? मैडम हमारे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए इस संबंध में शिकायत है मैडम हमारी। विधायक जी को क्या बनाया जाए? कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। सर आप मुख्यमंत्री कार्यालय जिस संबंध में हमारे यहाँ शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। मैडम मुख्यमंत्री CM हेल्प लाए तो इस पर शिकायत दर्ज करवाएंगे हम और कहाँ करवाएं बताओ। मुख्यमंत्री कार्यालय जाके आवेदन दीजिए। मैडम जब ये हेल्पलाइन है 181 तो इसी पर कह रहे हैं कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे खुराई से विधायक हैं इनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। जी मैडम नमस्कार हेल्पलाइन से अनामिका बात कर रही। बताइए पप्पू तिवारी जी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। मैडम पप्पू नहीं संतोष तिवारी बोल रहे बमोरी हुड्डा तहसील खुराई जिला सागर मध्य प्रदेश। क्या समस्या आ रही है? जी मैडम खुराई विधानसभा में हमारे जो माननीय भूपेंद्र भैया जी हैं विधायक जी इनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए इस संबंध में मैडम शिकायत है हमारी। किसको मंत्री बनाया जाए सर? कैबिनेट में मंत्री नियुक्ति करवाना चाहते हैं। जी मैडम माननीय भूपेंद्र भैया की जो जब नियुक्ति हुई है कैबिनेट विस्तार हुआ है माननीय मंत्री जी का उसमें मंत्री बनाया जाए। लेकिन माफी चाहते नियुक्ति से संबंधित ऐसी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है। मैडम ये CM हेल्पलाइन है तो इसी पे दर्ज करवाएंगे शिकायत। आप बताइए और कहाँ जाए फिर। लेकिन आप किसकी नियुक्ति करवाना चाहते हैं? माननीय भूपेंद्र भैया जी विधायक हैं जो हमारे उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। हाँ जी लेकिन ऐसी कोई नियुक्ति की शिकायत संबंधित दर्ज नहीं होती इसके लिए विभाग में आवेदन दीजिएगा। मैडम ये शिकायत CM हेल्पलाइन ही तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप संदेश पहुँचाइए। ऐसे आप किसी को नियुक्त करवाना चाहते हैं तो ऐसे नियुक्त नहीं किया जाता उसके लिए विभाग में सूचना दीजिए आवेदन दीजिए जो भी आपका विभाग है। तो मैडम आप हमारी ये शिकायत मोहन जी तक पहुंचा दीजिए। माफी चाहते हैं सर ऐसे नियुक्ति से संबंधित कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा सकती विभाग में आवेदन दीजिएगा वहाँ से उनको आदेश मिलेगा तो फिर उनको नियुक्त किया जाएगा। बाकी ऐसे नियुक्ति से संबंधित डायरेक्ट कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है। मैडम कंप्लेंट नहीं कर रहे हम ये सुझाव बोल रहे हैं मैडम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दीजिए आप। आपने इस संबंध में सूचना कहाँ दी है सर? मैडम हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे विधायक जी दो बार मंत्री रह चुके हैं तो इनको मंत्री बनाया जाएगा लेकिन मोहन जी के अधिकार में नहीं बताया गया। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध होती है ना ही ऐसी कोई शिकायत दर्ज की जा सकती है। माफी चाहते हैं मैडम।